नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम की बगावत के बाद पार्टी में संकट गहरा चुका है। गौतम ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात करने पर भी साफ इनकार कर दिया। भाजपा के साथ सत्ता में साझेदार जननायक जनता पार्टी की में बगावत का संकट गहराता दिख रहा है। पार्टी के नारनौंद के विधायक राम कुमार गौतम का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। गौतम की बगावत से पार्टी में हड़कंप की हालत है। पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने वाले गौतम ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलने से भी साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही वह अपने साथ पार्टी के कई अन्य विधायकों के होने का संकेत भी दे चुके हैं। गौतम ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह पार्टी प्रमुख और उप प्रमुख से मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसे में समझा जाता है कि जजपा की बगावत की आग शांत होना इतना आसान नहीं। पूरे मामले में अब ये देखना है कि गौतम की अगली गुगली के निशाने पर कौन आएगा। राम कुमार गौतम ने कहा है कि उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का कोई पछतावा नहीं है, वह अपने आदर्शों पर चलने वाले हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, इसलिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलने नहीं जाऊंगा। जेजेपी मेरे द्वारा ही बनाई गई पार्टी है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने 11 विभागों को अपने नियंत्रण में ले लिया और पार्टी के दूसरे नेताओं को भूल चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला पर भी हमला बोला। गौतम ने कहा कि दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला ने कांग्रेस की किरण चौधरी के साथ समझौते के कारण बड्डा से विधायक बन चुकी हैं। जेजेपी ने किरण चौधरी के खिलाफ तोशाम निर्वाचन क्षेत्र में एक कमजोर उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, जिसकी शर्त पर नैना चौटाला जीती। आपको बता दें, गौतम ने बुधवार को पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। गौतम ने कहा कि अनदेखी के कारण बाकी विधायकों में भी असंतोष है और चुनाव में भाजपा ने विधानसभा की 40 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली। भाजपा ने दुष्यंत चौटाला की नवगठित पार्टी के साथ गठबंधन किया था और इसी बगावती तेवर के बाद गौतम के अगले कदम पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। आइए देखते हैं राम कुमार गौतम ने इस संबंध में क्या कहा और दुष्यंत चौटाला का जवाब भी सुन लीजिए। गिले शिकवे तो सुलझाने वाली भाई बात ही कोई नहीं है। कोई गिला शिकवा क्या है मेरा? मेरा तो कोई गिला शिकवा है नहीं। क्या क्या सुलझाने वाली कौन सी बात? इस्तीफे के भी गए, इस्तीफा भी नहीं मिला। इस्तीफा कौन सा? ये कोई कह दिया हमने तो हो गया इस्तीफा, और क्यों होगा इस्तीफा? कोई पार्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा, राष्ट्रीय पार्टी है ही नहीं। या तो 5-4 जिले की है और उन जिले की है जो जिसमें उनका खुद का जिला आता ही नहीं, जहाँ वो पैदा हो रहे हैं, जहाँ उनके बाप दादा ने राजनीति करी है। ये तो यहाँ हमारे जैसे भोले भाले लोगों को बका के इस इलाके में ये आके MLA बन जाते हैं। वहाँ तो 4-4, 5-5 हज़ार वोट आए हैं सारे सरसा जिले में, तो कोई आधार है ही नहीं। वो लोग इनको परख चुके, पहचान चुके और रिजेक्ट कर चुके। ये तो यहाँ जो है कुछ लोग कुछ लोगों की मदद से अपना काम बन गया इनका, और कोई ख़ास बात तो है नहीं। इनकी माता जी बनी थी डबवाड़ी से, वो डबवाड़ी से बड़ा की किरण चौधरी से समझौता कर लिया, किरण चौधरी ने उनको वोट दिला दी, वो बन गई। किरण चौधरी के खिलाफ उन्होंने कोई जाट कैंडिडेट तकड़ा करा नहीं, मामूली सा एक बेचारा गरीब बरादरी का चमारों का लड़का खड़ा कर दिया, 3-4 हज़ार वोट ले गया। वो एक सेटिंग थी। और यहाँ जो है बाकी हमारे आसपास ऐसे लोग ढूंढ लिए उनने जिससे उनका काम हल हो गया। उनका इतना ही काम था बस कि उनका काम हल हो जाए, किस तरह से हो वो उन्होंने अपना सिस्टम तैयार कर लिया। तो सर आप आगे कोई और कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन करने की कोई? ना ना, पार्टी ये मेरी बनाई हुई है। मैं इसमें मेरा एक भी आदमी जो इस धरती पे बसता है वो था ही नहीं जो घर में रहे, उस दिन पार्टी बनाने में ही था। मैंने उस दिन उनको आशीर्वाद दिया था दोनों भाइयों को, और मेरे सारे लोग हाजिर थे समेत मेरे रिश्तेदार हाजिर थे। पार्टी क्यों छोड़ूं भाई? अगर दुष्यंत चौटाला आपको बुलाना चाहे तो फिर दुष्यंत चौटाला से कोई वास्ता नहीं मेरा। अब दुष्यंत चौटाला से मेरा, वैसे तो भाई भगवान है, वक्त करे नर क्या करे।
लेकिन मैं जीऊंगा जब तक कोई मुलाकात का भी सवाल पैदा नहीं होता। कोई वहीं कहीं किसी चुराहे पे मिल गया या कहीं विधान में, मैं जीऊंगा जब तक कोई मुलाकात का भी सवाल पैदा नहीं होता। कोई वहीं कहीं किसी चुराहे पे मिल गया या कहीं विधानसभा में वैसे आ जाते आते टकरा गया तो बात अलग है। मैं कभी मिलूंगा नहीं, ना कभी उनसे बात करूंगा। मेरा उनसे कोई न पहले कभी वास्ता इस खानदान से था, ना आगे कभी रहेगा। उन्होंने अपना उल्लू सिद्ध करना था, वो कर लिया, 11 मंत्रालय ले गया। और एक उनका बेचारा बहुत ही वफादार आदमी था, अनूप दानक, उसको भी उन्होंने कोई मंत्री नहीं बनाया। लांडे बुच्चे मंत्री हो अगर बिना बात के गाड़ी घोड़ा थमा दिया बेचारे थे, एक भी मंत्रालय उसको दिया ही नहीं। तो वो तो उनका पुराना वफादार साथी था, लेकिन उसकी भी बेइज्जती करी। और महकमा कौन सा, वो म्यूजियम और आर्कोलॉजी, म्यूजियम में क्या करेगा बेचारा, वो बताओ उसका क्या कोई कोई मंत्रालय है। तो ये तो भाई इनका तो इसने सीखा नहीं समय के हिसाब से, इसने ना अपने बुजुर्गों से सीख ली वो किस हालात में है क्यों है, उसने इसने वो वजह भी नहीं ढूंढी। इसका पिता जेल में है, दादा जेल में है, और बड़े संगीन मुकदमे चल रहे हैं आए से अधिक के, डरते बचते फिरे हैं उनसे, सेटिंग करे हैं, समझौते करे हैं, पब्लिक को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और स्टेज पर खड़े होकर कहता कि कमेरे और लुटेरे, लुटेरे तो सबसे बड़े यो ही खानदान है भाई, और तो कोई लुटेरा है ही कमेरे, कमेरे कमेरे जो हैं बेचारे उनको तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जो सेंटीमेंट हैं उनके साथ खेलते हैं। तो इसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, 10 MLA टोटल हैं इस समेत, एक तो चलो इसकी माँ है भाई, अब दूसरा एक जो बेचारा ये जो स्टेट मिनिस्टर बनाया है अनूप दानक के अलावा 7 और हैं, सबका अपना वजूद है, कोई ये थोड़ी है कि कोई इसकी वजह से बने हैं। अब मैं हूँ, मैं बना हूँ MLA, इस सारे खानदान ने मिल के मुझे बनाया है, इसने भी, इसके भाई ने, इसकी माँ ने, मेरे तो 35,000 वोट थे, उसमें से भी 200-250 कम, बाकी तो सारे ही ने दिए, लेकिन मैंने इससे ज़्यादा दे रखे हैं इनको, इनने तो हमारे को MLA बनाया, हमने तो इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, सबका सहयोग है, सब ने इसकी मदद करी है। आप अंदाजा लगाओ हमारी मदद के बावजूद ब्रजेंद्र ने इसको उछाणा में 9,500 वोट से हराया। और अब जो उसके खिलाफ खड़ी थी उसकी माएँ तो खड़ी थी, इसमें क्या खूबी थी ऐसी, हम सब लोगों की मदद से बहुत मदद करी है, जब ये MLA बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, सब लोगों की मदद से बहुत मदद करी है, जब ये MLA बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना, ऐसी बात थी तो वो वहाँ डबवाड़ी से इलाहाबाद से वहाँ से क्यों नहीं लड़े, जहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि वो लोग इनको परख चुके हैं, सबकी मदद से ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना। जितने वोट इन मेरे को दिए हैं, 38,000 कम से कम वोट इन ज़रूर दिए हैं मेरे को, उससे बहुत ज़्यादा वोट मैंने दे रखे हैं इनको। और शुरू में तो पहले इसका पिता लड़ा था जब भिवानी से, वहाँ भी मैंने इसकी मदद करी थी, इनका कैंडिडेट सुरेंद्र बनाया था, तन मन धन सारी चीज़ से मदद करी। और उसके बाद दिग्विजय यहाँ से लड़ा जीन से, वहाँ भी हमने मदद करी। और इसके इनके बहुत इनके लिए अच्छी अच्छी बात कही है। और उसके बाद 3 दिन इसके अब लगाए, 2 दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में लगाए, हमने बहुत मदद कर रखी है इनकी, कोई एहसान नहीं है इनका हमारे पे कुछ भी, हाँ एहसान है
वैसे तो 36 बरादरी का एहसान है, और भाई एमएलए बनाने में सबसे बड़ा एहसान मेरे पे जाट कौम का है जो इनकी वजह से लगी, लेकिन उससे ज़्यादा वोट दिला रखे हैं इनको, उससे ज़्यादा मदद करें, हम तो एमएलए बनाए हैं और ये तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, कोई एहसान नहीं है। आप देखो जोगीराम सियाग बनाया पड़ोस के हमारे बरवाले से एमएलए, उसका अपना वकार है, बहुत बड़ा दानी आदमी है। इधर देवेंद्र बबली है, 35-36 हज़ार तो आज़ाद आए थे, उसका अपना वजूद है। और वो छोरा राम निवास है बाल्मीकों का लड़का, वो बनाया इससे नरवाना से, बहुत पढ़ा लिखा काबिल लड़का है, पैसे से भी मदद करी है उसने इनकी, इसकी इसके उम्मीद नुमा जो और उम्मीदवार थे। और वो ईश्वर सिंह है, राज्यसभा का मेंबर रहा, पहले एमएलए रहा, एससी एसटी कमीशन का चेयरमैन था, एचपीएससी का मेंबर था, उसका अपना वजूद था। एक और है वो काला शाहबाद से बने, उसका कक्का है काला, काला है मेरे ख्याल, उसका अपना वजूद है। 2-3 जिला परिषद के मेंबर तो उसके घर में हैं। और ये ढांडा है छोरा, ये हमारा भांजा है सतरोल का, धर्मखेड़ी का, इसकी इसकी जहाँ सब ने मदद करी है, इसने इसकी इसने मदद करी है, वहाँ इसने भी कहीं औरों की मदद करी है। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने इसकी मदद नहीं कर रखी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इसका क्या काम था, इसके एमएलए का भी काम कौन था यहाँ? तो अगर इतनी बड़ी खूबी थी, काबिलियत थी, तो भाइयों की स्थापना करा देते हैं। और भाई उसमें सबसे बड़ा पाप मैंने कराया, मैं बहुत बड़ा भागीदार हूँ, गुनाहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, पुनः तो मैंने पहले भी बहुत करे, गलतियाँ पहले भी बहुत करी हैं। 89 में अपनी पार्टी बनाई मैंने, और कांग्रेस पार्टी छोड़ी, 91 में मुझे टिकट मिल सकती थी, एमएलए बन सकता था। और ये तो शुरू में जो इनका सिस्टम था न्यू का यूं उसी तरीके से चल रहे हैं, ने पता कर लिया भाई कैप्टन अभिमन्यु किससे आ रहे, कैप्टन अभिमन्यु भाई राम कुमार गौतम हरास के, उस पर खुद की वोट है, हमारे को इस्तेमाल कर लिया और हमारे से गलती होगी भाई, गलती तो एक बार नहीं उन्हें एक बार करी है। बीजेपी का जब मैं विधायक दल का नेता था, बीजेपी छोड़ना सिर्फ मैच इसलिए कि भाई चलो भाई लोगों के काम बढ़ जाएंगे थोड़ा बहुत, हुड्डा साहब से भी हमने दोस्ती की, और मैं कहा हजारों बच्चों को नौकरी मिल जाए और भी काम हो जाए हल्के के, बहुत बड़ी भूल थी मेरी, बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं संघर्ष करता तो हुड्डा भी 5 साल राज बहुत बढ़िया चलावे और अगला राज हमारा बीजेपी का हो, लेकिन बीजेपी छोड़ दी। अब सबसे बड़ी गलती जो करी है, अब की बार जो मैं इनकी पार्टी में शामिल होकर जो अब की बार एमएलए बना हूँ, बहुत बड़ा पाप तो इस बार किया, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ मैं, मैंने ऐसे पाप को जन्म दिया है जिसके लिए हरियाणा वाले सारे लोग मुझे रोएंगे। तो भाई इतनी सी बात है, लोग कहते हैं जी आपको मिनिस्टर नहीं बनाया, कहते हैं जी आप तो इसलिए नाराज हो, मिनिस्टर की कोई बात नहीं है भाई, मिनिस्टर के क्या नाराजगी है मिनिस्टर नहीं बनाया तो मेरे को, मुझे दुख इस बात का है जिन लोगों ने मुझे एमएलए बनाया, जिस अभिमन्यु को उन्होंने हराया उसके साथ हाथ मिला लिए, इसके पिता अजय चौटाला ये सारा परिवार उनके साथ सेटिंग कर गया, हमारा हल्का बेच दिया उसने कि भाई सारी ताकत अभिमन्यु आपकी रहेगी, इसके बदले में मेरे को ये दे दो। 11 हल्के डकार गया, खोपर ने कोई शर्म नहीं आई, सारे बड़े बड़े महकमे इसके पास है, ये सेटिंग है, एक डील हुई है, इसकी तकलीफ है मुझे।
बहुत बड़ी तकलीफ है, थोड़ी तकलीफ नहीं है। और देखो भाई समय क्या कराएगा, समय बहुत बलवान है। ठीक है, मैं उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का काम कर। लेकिन सर जो उनके आरोप है, आप उनका बुरा भले ही ना माने, एम्बियंस मॉल में एक सेटिंग की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरवाने के लिए चुनाव लड़वाया गया दिग्विजय को, इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? मैं वही चीज कल बोल के था, उनकी बातों पर मैं टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। और आज हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में, कैप्टन अभिमन्यु सरकार के पहले हिस्से थे, आज उनके डिपार्टमेंट्स मेरे पास, उसके बावजूद भी मेरी उनके आज तक मुलाकात नहीं, मगर उनने जो बात कही है, इस इच्छा से कही है, इस सोच के साथ कही है, वो आकर मेरे से मिलकर वो बात बताए जरूर, अगर उसके अंदर मेरी कमी रहेगी तो मैं सुधारूंगा, और अगर उनकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंची उसको सुधारूंगा। वो कहते मैं मंत्री बनता तो कैप्टन अभिमन्यु की जगह कंपनसेट। अगर मंत्री बनने की इच्छा ही सब कुछ आदमी के मन में है तो फिर मेरे को लगता है संगठन प्राथमिक है, संगठन को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी। उनने जो बात कही है, इस इच्छा से कही है, इस सोच के साथ कही है, वो आकर मेरे से मिलकर वो बात बताए जरूर, अगर उसके अंदर मेरी कमी रहेगी तो मैं सुधारूंगा, और अगर उनकी कोई भावनाओं को ठेस पहुंची हुई उसको सुधारूंगा। वो कहते मैं मंत्री बनता तो कैप्टन अभिमन्यु की जगह कंपनसेट। अगर मंत्री बनने की इच्छा ही सब कुछ आदमी के मन में है तो फिर मेरे को लगता है संगठन प्राथमिक है, संगठन को आगे बढ़ाना, प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी।